अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शैन फैसल और आप देख रहे हैं हमारा मनपसंद यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सफेलो कॉल डेटा। फ्रेंड्स, टॉपिक से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक दबाएँ। और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सफेलो कॉल डेटा और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है सफेलो कॉल डेटा। सफेलो कॉल डेटा पस को हम इसका डायग्राम ड्रा करेंगे। यानी सफेलो मीन हेट, सफेलो मीन हेट और कॉल डेटा मीन कोट। यानी इसमें कोट और हेड मौजूद हो, इसको हम सफेलो कॉल डेटा कहते हैं। यानी ये इसका डायग्राम है। यानी इसको हम हेड कहते हैं, इसको हम हेड कहते हैं। और ये जिग्स को हम, इसको हम सीरी कहते हैं। और इसके बाद इसको जिल्स भी कहा जाता है। और ये हमारे साथ सलाइवा है। और इसमें मौजूद पेरेंजियल स्लिट्स मौजूद हो, पेरेंजियल स्लिट्स मौजूद हो। और पेरेंजियल स्लिट्स के बाद यानी इस पोर्शंस को हम एट्रियो भी कहते हैं, एट्रियो पोर भी कहते हैं। और ये पेरेनक्स मौजूद है इसमें, पेरेंजियल स्लिट्स में। और ये वेंट्रल पिन मौजूद हो इसमें। यानी इसको एनस, इसमें एनस मौजूद हो। और इसमें टेल हो। और ये डोर्सल पिन मौजूद हो इसमें। और इसमें नरो कार्ड भी मौजूद हो, नरो कार्ड और नरो कार्ड के साथ साथ नोटो कार्ड भी इसमें मौजूद हो। नोटो कार्ड को हम प्रेजेंट अनोटो कार्ड एंड स्टार्ट फ्रॉम हेड रीजन टू टेल रीजन। नोटो कार्ड इसको हम कहते हैं जो हेड से टेल रीजन में हो, इसको हम नोटो कार्ड्स कहते हैं। और आते हैं सफेलो कॉल डेटा के डिफिनीशन, इसको हम लेंसलेट्स भी कहते हैं। दे आर कॉल्ड लेंसलेट्स। दे आर कॉल्ड लेंसलेट्स। इसमें टू जिनरा मौजूद हो, यानी सफेलो कॉल डेटा में टू जिनरा मौजूद हो, पस को हम ब्रांकियोस्ट्रोमा कहते हैं। और सिकंड्स को हम एजाइमेट्रॉन कहते हैं। और इसके बाद सफेलो कॉल डेटा में तकरीबन 45 स्पीशीज मौजूद हो। यानी ये स्मॉल ट्रांसपेरेंट प्लेटलेट इसमें मौजूद हो, यानी ये स्मॉल ट्रांसपेरेंट प्लेटलेट।
और नोटोकॉर्ड मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया कि नोटोकॉर्ड ये प्रेजेंट हो हेड से टेल रीजन, यानी ये प्रेजेंट हो हेड और टेल रीजन में, यानी नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, हेड टू टेल रीजन। और सीरी का डिफिनीशन है, यानी प्रोजेक्शन एट नियर टू हेड रीजन इज नोन हेज सीरी। इन हेड रीजन में मौजूद जो प्रोजेक्शन हो इसको हम सीरी कहते हैं, यानी सीरी के नज़दीक जो प्रोजेक्शन हो इसको हम सीरी कहते हैं। एट नियर टू हेड रीजन, यानी ये हेड रीजन में मौजूद हो इज नोन हेज सीरी। और इसके बाद पेरेंजियल स्लिट्स ये सराउंडेड हो पेरनिक्स में, पेरेंजियल स्लिट्स सराउंडेड टू पेरनिक्स, यानी पेरियानिक्स ये मौजूद हो। और ये और इसके बाद पेरेंजियल स्लिट्स ये कन्वर्टेड हो एक स्ट्रक्चर में, इसको हम एट्रियम कैविटी भी कहते हैं, यानी पेरेंजियल स्लिट सराउंडेड इन अ स्ट्रक्चर, यानी कन्वर्टेड इन अ स्ट्रक्चर इज नोन हेज पेरेंजियल स्लिट्स, यानी पेरेंजियल स्लिट्स कन्वर्ट इन अ स्ट्रक्चर। इन अ convert in a structure called atrium, इसको हम atrium कहते हैं, यानी atrium का definition है, यानी पेरेंजियल स्लिट्स ये मौजूद हो, यानी इसका structure जो है ना ये converted हो atrium में, इसको हम atrium कहते हैं, यानी atrium cavity कहते हैं। इसमें filter Peter मौजूद हो सिर्फ हेलोकोडाटा में, यानी ये filter